वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में मौजूद हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, बस पेशेंट्स आना यहाँ पे हाल फिलहाल अभी बाकी है। लेकिन जो बड़ा ये प्रयास है, ये सबके मिले जुले सहयोग से ही संभव हो पाया है। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास की तरफ से ये पूरी जमीन उपलब्ध कराई गई है कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक सारे पेशेंट यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। खाना पीना सब राधा स्वामी सत्संग की तरफ से दिया गया है। ITBP की तरफ से मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ 10,000 बेड्स की यहाँ पे क्षमता है। शुरुआती तौर पे 2,000 बेड यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। जितने भी बेड्स आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, यानी कि मेकशिफ्ट बेड्स इनको बनाया गया है टेम्परेरी तौर पे। और हर एक बेड के साथ एक गद्दा होगा और एक मोटा सा तकिया भी इसके साथ दिया गया है। लेकिन जो खास बात है वो ये पूरा ही तीन चीजों का सेट स्लीपवेल कंपनी से दिया गया है, जिसके लिए कोई भी चार्ज सरकार से नहीं मांगा गया है। क्या खासियत है इन बेड्स की, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ VP जो स्लीपवेल कंपनी के हैं विशाल जी, वो मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा प्रयास सबके सहयोग से ही पूरा हो पाया है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस चीज में हैं। सबसे पहले खासियत बताइए, क्या खासियत है इस बेड्स की? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ITBP और राधा स्वामी सत्संग, जिनके साथ मिलकर ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, हमारा इनिशिएटिव है ताकि कोविड पेशेंट्स का ध्यान रखा जा सके। ये बेड्स हमारे स्पेशली बनाए गए हैं, बेड और मैट्रेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेड स्पेशली डिजाइन किया है, 250 kg तक का वजन ले लेता है, बायोडिग्रेडेबल है और इसको सैनिटाइज भी किया जा सकता है यूज के बाद, क्योंकि कोविड पेशेंट इसमें सोएगा, सैनिटाइज करके सेफली डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसी प्रकार से ये मैट्रेस हमने स्पेशली बनाया है जिसमें लंबी टाइम तक सोया जा सकता है, बैठा जा सकता है, और इसको नीम फ्रेश एक हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है उससे प्रोटेक्शन दी गई है, उसका इस्तेमाल किया गया ताकि कोई नीम का प्रयोग कहीं ना कहीं इन गद्दों में इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई जर्म्स, वायरस इस टाइप की चीजें पेशेंट को ना लगे और उनकी हेल्थ अच्छी रही। तो हमारा ये प्रयास है एक CSR के इनिशिएटिव के थ्रू, और इसी टाइप की चीजें हम आगे भी करते रहेंगे। किसी और स्टेट गवर्नमेंट या हॉस्पिटल को हमारी जरूरत हो हमारी एक्सपर्टीज की तो हमारा उनके लिए बिल्कुल प्रयोग। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्योंकि 10,000 बेड्स आपकी तरफ से दिए गए हैं, तीन चीजों का एक सेट आपने बनाया है, गद्दे होंगे इसमें, कार्डबोर्ड का ये पलंग होगा, इसी के साथ पिलो भी होगा, थिक सा एक हैवी सा, क्या जो कॉस्ट इसमें इनकर हुई है, पहले तो आप बताइए कि 10,000 बेड्स की क्या कॉस्ट आप मान के चल रहे हैं, और इसके साथ क्या आपने कुछ सरकार से इस चीज का पेमेंट मांगा या कैसे पूरा ये किया? तो इसके लिए हमने सरकार से कोई पेमेंट नहीं मांगा। जिस प्रकार हर सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को एक ऐसी आपदा के टाइम मदद करनी चाहिए, हमने भी यही सोच से मदद की है सरकार की। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी तरफ से कोई हम पेमेंट नहीं लिया गया है। तकरीबन 10,000 बेड्स और ये पूरा सेट देने के लिए हमारे पास तकरीबन 1.5 करोड़ का हमारे पास लगन लगी है, मगर ये सारी कॉस्ट हमने ही खुद ही बेयर की है और हमारी तरफ से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसे बाकी लोग मदद कर रहे हैं हम भी लोग भी मदद कर रहे हैं।